advised me for knee replacement and I got admitted in Cure Hospital. He did everything very nicely and the staff in Cure Hospital are very good. On Kolasu, I was suffering from rheumatoid arthritis since 6 years and I couldn't walk properly for 6 years. And this year as the lockdown became, my leg movements were like I couldn't walk at all properly. It was very difficult in walking. When I met Dr. Bakul Arora, he explained me about my sickness first very nicely, which no doctors had explained me. Then he told me that you have to go for it. He never told me about a knee replacement. He directly said for me what you decided and you came from home. I said, yes, doctor, I know it's a knee replacement. He said, don't worry, everything will be fine. He encouraged me and he was just like a blessing for me. No other doctors advised me about it, but he advised me very well. And I will follow that advice for my future guidance. And now I can walk nicely. My feet reaches the ground. And I can climb the stairs also. And very soon I'll be walking. And the staffs over here are very good. And the nurses and all are friendly. On time they come to the patients. I like the doctor and the doctor is the best. Thank you. Namaste. मेरा नाम डॉक्टर बकुल अरोरा है. मैं ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ. थाना के क्यूरे हॉस्पिटल में मैं प्रैक्टिस करता हूँ. मेरी विशेषज्ञता यानी कि स्पेशलिटी नी रिप्लेसमेंट्स एंड हिप रिप्लेसमेंट्स में है. अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत ही चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग केस ऑपरेट किया, जिसमें पेशेंट की एज, शी इज ओनली 33 ईयर्स ओल्ड पेशेंट, जिनके दोनों घुटनों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि संधिवात के कारण दोनों घुटनों में मैकेनिकल प्रॉब्लम शुरू हुए थे. यानी कि जो गादी होती है घुटनों की, कार्टिलेज गादी पूरी तरह से घस चुकी थी. प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि वो दो कदम चल के भी नहीं आ सकती थी. तो वो शी केम टू मी ऑन अ व्हील चेयर. बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें व्हीलचेयर से बेड में शिफ्ट किया, एग्जामिन किया. एंड एग्जामिनेशन एंड एक्सरेज करने के बाद ये पता चला कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एंड स्टेज डिजीज शुरू हो चुकी है. यानी कि जो गादी है पूरी तरह से घस गई है और हड्डियों में फ्रिक्शन बढ़ गई थी, जिसके कारण हड्डियों में खड्डे भी आ गए थे. एंड दैट इज द रीजन व्हाई शी कुडंट वॉक इवन टू स्टेप्स. To solve this mechanical problem which is associated with rheumatoid arthritis, मैंने उनको knee replacement की सलाह दी. Usually knee replacement कहा जाता था कि 60 years के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि इसकी life खाली 10 से 15 साल या 20 साल तक ही चलता है. लेकिन अभी special implants available हैं जो titanium से बनते हैं. इनको commonly हम gold implants भी कहते हैं. तो ये golden implant कि जो लॉन्जेविटी है यानी कि जो लाइफ है लगभग 42-45 मिलियन साइकल्स, यानी कि लगभग अंदाजन हमें 40 इयर्स की लाइफ स्पैन हमें मिलती है, जिससे यंग पेशेंट्स भी नी रिप्लेसमेंट, जिनको आवश्यकता है वो भी नी रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं. तो ये गोल्डन इम्प्लांट्स इज एक्चुअली बून फॉर यंगर पेशेंट्स. दिस गोल्ड इम्प्लांट्स आर ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर दोज पेशेंट्स जिनको मेटल से एलर्जी है या मेटल से सेंसिटिविटी है. कोई मेटालिक वॉच पहनते हैं या ज्वेलरी पहनते हैं जिससे एलर्जी हो जाती है, तो उन पेशेंट्स को भी अगर नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है तो गोल्डन इम्प्लांट्स आर वेरी वेरी सूटेबल एंड वेरी बायो कंपैटिबल. आजकल जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि कोविड 19 का पैंडेमिक है, और काफी पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ये पैंडेमिक के दौरान क्या हम ऑपरेट कर सकते हैं. तो यस, सो वी हैव, गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स इशू किए थे जुलाई में, ये हेल्प करते हैं पेशेंट्स को एक सेफली एडमिट होकर सेफली ऑपरेट करने के लिए. एक बायो बबल बन जाता है, तो सारे पेशेंट्स जो एडमिट होते हैं उनका
प्रॉपर स्क्रीनिंग होता है, उनका टेस्ट होता है आरटीपीसीआर टेस्ट, एंड नेगेटिव होने पर ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं, इन एंट्री पॉइंट्स में भी सभी विजिटर्स का और पेशेंट्स का स्क्रीनिंग होती है, टेम्परेचर चेक होता है, सारे स्टाफ का रेगुलरली स्क्रीनिंग होता है। पूरे हॉस्पिटल के जो एयर कंडीशनिंग है, इसमें स्पेशल फिल्टर्स जिसको हेपा फिल्टर्स कहते हैं, ये हेपा फिल्टर्स भी इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे एयर कंडीशनिंग भी सेफ है, एंड जिससे जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, COVID-19 इन्फेक्शन, ये भी काफी कम हो जाता है। सो एक तरह से बायो बबल बन जाता है जिसमें हम पेशेंट्स को एडमिट करते हैं और ऑपरेट करते हैं, एंड सर्जरी बिकम्स एंड हॉस्पिटलाइजेशन कंप्लीट आल्सो बिकम्स सेफ। सो कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि नी रिप्लेसमेंट अभी सेफ है, एंड नी रिप्लेसमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द एज मुमकिन है। सो ये पेशेंट जिनकी एज 33 है, एंड शी कुडंट वॉक, जो सर्जरी के पहले दो कदम नहीं चल सकती, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी शी स्टूड अप एंड शी स्टार्टेड वॉकिंग। ऑपरेशन के अगले दिन ये स्टेयर क्लाइंबिंग भी इन्होंने शुरू किया, एंड टुडे इज द थर्ड डे एंड वी आर डिस्चार्जिंग हर टुडे। एंड इस टेक्नोलॉजी में मैंने उनके घुटनों की जो मसल्स है वो भी कट नहीं किए, तो दिस इज अ मसल स्पेयरिंग अप्रोच, यानी कि मैं मांसपेशियों को ऑपरेशन के दौरान कट नहीं करता हूँ। ये टेक्नोलॉजी यूनिक है और काफी लेटेस्ट है। इसमें बेनिफिट ये होता है कि पेशेंट्स की रिकवरी काफी फास्ट हो जाती है। सुबह ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट शाम को चल सकते हैं, ऑपरेशन के अगले दिन सीढ़ियां चढ़ना उतरना स्टार्ट करते हैं, तीसरे दिन अधिकतर छुट्टी हो जाती है। एंड जो कि मांसपेशियां कट नहीं होती, तो इसमें ब्लड लॉस यानी कि ब्लीडिंग भी बहुत कम होती है, जिससे भी रिकवरी काफी फास्ट होती है। सो ओवरऑल दिस इज अ फास्ट ट्रैक अप्रोच फॉर नी रिप्लेसमेंट। एंड जैसा मैंने पहले भी कहा कि गोल्डन इम्प्लांट्स आर अ बून फॉर यंगर पेशेंट्स, जिससे इम्प्लांट की लॉन्जेविटी भी हमें अच्छी मिलती है। सो नी रिप्लेसमेंट अभी सेफ है, नी रिप्लेसमेंट अभी मुमकिन है। थैंक यू।